हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम इंग्लिश मंत्रा, ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोड सेफ्टी एजुकेशन। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10th आरवीएसई। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10वीं में एक टॉपिक आता है रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में, या कोई पोस्टर हो सकता है, कारपूलिंग के बारे में आता है, सेफ्टी रूल्स के बारे में आता है, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में क्वेश्चन आएगा। दैट कंटेन्स 4 मार्क्स, उसके चार के चारों नंबरों को आप हासिल कर सकते हैं। बस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, पूरी बात को सुनिएगा, इससे आपके चार नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले कुछ पार्ट्स में लेकर के मैं इस रोड सेफ्टी एजुकेशन को पूरा करूंगा। तो आज पार्ट वन में हम बात करने वाले हैं, या तो क्वेश्चन जो है आपका आएगा जस्ट टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, यानी यातायात की जो लाइट है, लाइट लगी रहती है रोड के पास में, रोड लाइट्स, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए। या फिर क्वेश्चन आएगा टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का महत्व इंपॉर्टेंस बताइए। या फिर आपसे लेन डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाएगा। लेन्स का मतलब होता है रोड के बीच में जो सफेद पट्टियां होती है, उनको पार किस प्रकार से करें, रोड की साइड में किस प्रकार चलें, दाएं तरफ कैसे जाना है, बाएं तरफ कैसे जाना है। लाइक दीज, ऑल दीज रूल्स आर रिलेटेड टू लेन, जो है डिसिप्लिन, उससे संबंधित आते हैं। अब यहाँ इन बातों से संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यहाँ पर एक स्पीच टाइप से भी आ सकता है। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले मैं कुछ चीजों को आपको बता देना चाहता हूँ कि रोड पर जब भी चलें, अपना जीवन मूल्यवान है, इसको ध्यान रखकर चलें, अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी हमें हानि नहीं पहुंचानी है, क्षति नहीं पहुंचानी है। तो साथियों, आप रोड पर जा रहे हैं तो अपने बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड में चलना है हमें, जब भी आप जा रहे हैं रोड क्रॉस करना है तो लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे, और जब कोई ना होगा तब हम रोड क्रॉस करेंगे। बड़ा हाईवे है जिसके बीच में पार्टीशन लगा हुआ है, तो रोड को पार करते समय बीच में पार्टीशन के पास आप रुकेंगे थोड़ी देर, फिर देखेंगे इधर उधर, फिर आगे बढ़ेंगे। वाहन को बिल्कुल धीमे चलाना है, तेज नहीं चलाना, जो गति है हमारी जिंदगियां छीन लेती है। मान लीजिए हमको अगर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, ऐसा तो वैसे कोई नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों के जीवन की भी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की तेज गति से बहुत सारी हानि हो जाती है, उसका हमें ध्यान रखना है, रोड सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। अपने वाहन का पहले चेकअप कर ले, उसके बाद में हमें बाहर निकलना चाहिए। अगर हमारा वाहन धुआं भी दे रहा है तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वाहन धीमे चलाना है, सावधानी से चलाना है, सोच समझ के चलाना, और ये मानकर चलाना है कि लाइफ इज इंपॉर्टेंट, ये मानकर चलाना है। कहीं पर हम 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 मिनट के चक्कर में एक जिंदगी के साथ साथ अनेक जिंदगियां जो है वो खतरे में पड़ जाती हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग। अगर क्वेश्चन आपका ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड आता है, ट्रैफिक रूल्स आते हैं तो, या लेन डिसिप्लिन आता है, तो आपको इन चीजों के बारे में एक निबंधात्मक चीज लिखनी है, और उसमें कुछ रेडीमेड चीजें मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिनको फॉलो करना है। मान लीजिए आपको लिखना है ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, तो आप सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक लाइट्स क्रिएट सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स, यानी जहां जहां मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़े हैं वहां आप अपने टॉपिक को ट्रैफिक लाइट को रख देंगे और आपका एक निबंध तैयार हो जाएगा। जहां जहां मैंने जगह छोड़ी है वहां अपने टॉपिक ट्रैफिक रूल्स को रख देंगे, एक निबंध तैयार हो जाएगा। जहां जहां मैंने जगह छोड़ी वहां आप लेन डिसिप्लिन को रख देंगे, और वर्ब में एस लगाना होगा लेन डिसिप्लिन के साथ में, तो आपका निबंध पूरा हो जाएगा। हम बात करते हैं ट्रैफिक लाइट को रखते हैं सभी जगह, फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रैफिक लाइट्स जो है प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर डिसिप्लिन होता तो यह क्रिएट्स कर देते, चूंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, क्रिएट सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स, ये हमारे वाहनों को सुरक्षा प्रदान करता है। आप इसके साथ ही साथ ट्रैफिक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं लाइट्स के बारे में। मान लो इधर रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, और थर्ड नंबर येलो लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब कहीं हमको रुकना है, खतरा है, और येलो लाइट का मतलब होता है हमें रेडी होना है, और उसके बाद ग्रीन लाइट का मतलब है कि हमें निकल के जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम बढ़ सकते हैं। तो साथियों, ट्रैफिक लाइट को अगर हम दूसरे सेंटेंस में रखेंगे तो ट्रैफिक लाइट्स क्रिएट एन ऑर्डर, यानी कि यातायात की जो लाइट लगी रहती है रोड के सहारे, उसका ज्ञान हमें, या उसका नियमों का पालन करना हमें, एक ऑर्डर, एक व्यवस्था पैदा होती है, इससे अनुशासन आता है। ट्रैफिक लाइट्स क्रिएट गुड ट्रैफिक सिस्टम, यातायात की लाइट एक सही यातायात की व्यवस्था को बनाने में मदद करती है, पैदा करती है। ट्रैफिक लाइट सेव लाइव्स एंड अवॉइड एक्सीडेंट, ये हमारे लाइफ या जीवनों को बचाती है। मान लीजिए आगे से रोड चल रहा है, ट्रैफिक लाइट कहती है रेड लाइट जल गई कि आप रुक जाइए, तो वहां हमको रुक जाना चाहिए,
क्योंकि अगर हम नहीं रुके तो आगे चलकर हम किसी टकराएंगे, हमारी और दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सेम लाइव्स जीवनों को बचाता है, अवॉइड एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं से हमें बचाता है ट्रैफिक लाइट का ज्ञान। अब ट्रैफिक लाइट से लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा संपत्ति को भी नुकसान होता है इससे, उसको भी बचाता है ट्रैफिक लाइट। यानी कि देखो, रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में कुछ चीजें अपने मस्तिष्क में पहले से सेट रखनी है। पूरे 4 में से 4 नंबर आपको 10th क्लास में लाने हैं। तो बस कुछ रेडीमेड चीजें मैंने आपको दी हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए, इन बातों को लिखते हुए, ये विशेषताएं हैं इन चीजों की। आप सब्जेक्ट के रूप में ट्रैफिक लाइट लिख देंगे तो आपका एक निबंध ट्रैफिक लाइट पर हो जाएगा तैयार। अगर निबंध ट्रैफिक रूल्स के बारे में आता है तो ट्रैफिक रूल्स यहाँ सब्जेक्ट बना दीजिए। अगर लेन डिसिप्लिन आता है तो लेन डिसिप्लिन को उठाकर यहाँ रख दीजिए। आपका एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर आपके पास तैयार रहेगा, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अब आगे आपको लिखना होगा, सो वी शुड फॉलो। अगर टॉपिक ट्रैफिक लाइट्स है तो ट्रैफिक लाइट लिख देंगे यहाँ, ट्रैफिक रूल्स है तो ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर लिख देंगे। आई जस्ट डोंट वांट यू टू क्रेम द टॉपिक। मैं नहीं चाहता कि आप टॉपिक को रटें, जस्ट अंडरस्टैंड इट, ग्रेस्प इट प्रॉपरली, तब वहां पर लिखना है। बट सम रेडीमेड थिंग्स इफ वी हैव ऑलरेडी इन अवर माइंड, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, ये चीजें हमारे लिए लाभदायक होती हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा, ड्राइवर मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स, यानी वाहन चलाने वाले ड्राइवर को मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने। आगे लिखना होगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि पी करके वाहन नहीं चलाना। क्या पी करके वाहन नहीं चलाना, ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा एक निबंध, एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो सकता है ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक रूल्स या लेन डिसिप्लिन के बारे में। तो साथियों, आई होप दैट यू वुड लाइक टुडेज लेसन। मेरे लेसन आपको पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट यू कैन नो अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपलोडेड वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जो रिलेटेड होगा इसी रोड सेफ्टी एजुकेशन से। ओके, टिल देन, बाय बाय।